अरे माँ कसम गया पलटी। अपन मीरा रोड आए थे और देखो इधर पे अपनी एनआर का टायर निकल चुका है जो कि ये 20 लाख की है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग बताओ जरूर कमेंट बॉक्स में। और अभी टाइम हो रहा है 4:52, तो अभी टाइम हो रहा है 4:52। हमें अपनी जेरी है और ये मुंबई का मौसम और इसका लाउड साउंड। ओ भाई गाइस, चलो आप सबको थोड़ा सा एक झलक दिखाता हूँ फिर से जेरी के साउंड का। आप सब देख सकते हो। एंड आज है 18th of अप्रैल, मेरा बर्थडे का दिन है। सो यार आज तबीयत थोड़ा डाउन है मेरा, बट स्टिल आप सबके लिए ब्लॉग बनाना था तो मैं निकला। देन जितने जानने हैं मेरे को प्रीवियस वाले वीडियो में विश किया, इंस्टाग्राम पे विश किया, सो थैंक यू सो मच। आप सबको दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ यार, थैंक यू सो मच। आप सब इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिखाया यार। सो कोई नहीं, अभी अपन चलते हैं जेरी को लेके। इसकी ब्यूटी का कौन नहीं दीवाना है यार, विदाउट देख रहे हो, विदाउट मॉडिफिकेशन कितनी प्यारी दिखती है। कुछ वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। सो चलो अभी जाते हैं। इसका एक बार साउंड देख रहे हो, फ्लेम्स क्या साउंड फेंकती है जेरी का सा। तो चलो अभी अपन छोटा सा एक गेड़ी मारेंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच गाइस, मेरे बर्थडे के दिन जितने जानने विश किया उसके लिए। गाइस आप सबको एक राइड का एडवांटेज बताते हैं, जो अभी हम लोग राइड करके आए थे उसमें क्या हुआ अपने डेनार के साथ में बताएंगे। और बाकी अभी चल रहे दीक्षांत भाई के पास। दीक्षांत भाई के इधर से चलेंगे किधर, आपको आगे रुक के बताता हूँ मैं किधर जाने हैं किधर नहीं। छोटा बच्चे का क्या एक्सप्रेशन था। सो अभी आपने कुछ ऐसा हुआ है, टायर का थ्रेड देख रहे हो गाइस, आई होप आप सबको दिखता रहेगा, पूरा टायर खत्म हो चुका है। और ये मैं जब भी अहमदनगर में था तभी हो गया था, तभी अपन ने ध्यान नहीं दिया कि मतलब इतना ज़्यादा हो जाएगा। देखो ना पूरा लेफ्ट राइट साइड का पूरा थ्रेड प्रॉपर है। सो टायर में ही कुछ तो तकलीफ है। सो ये टायर का मैंने सेकेंड टाइम फेस किया इशू, वेजेस ट्रेन का है
तो बहुत जल्दी ही अपन, मैंने देखो अपन अपना एक्सीलरेशन भी वैसा है ना, ब्रूटल है, तो इनिशियल में इतना रोटेट होता है, ट्रैक्शन कंट्रोल जो भी रहता है पावर कट करके इसको छोड़ता है, तो ग्रिप बना के बीच में उसके वजह से हुआ है, देख सकते हो कितना। सो बाकी एक स्टोरी डालेंगे, आप सबको पता चलेगा। और दीक्षांत भाई तब तक आते हैं और भी अच्छे से आप सबको दिखाते हैं कितना थ्रेड उड़ा है। अभी चल रहे हैं अपन टायर चेंज करने के लिए, और किधर चले, मेरा रोड हार्दिक भाई के पास पेट्रोल है। ओ चचा, अरे माँ कसम गया पलटी। कांच किधर गया? अच्छा कांच खुद A few moments later. अपन मीरा रोड आए थे और देखो इधर पे अपनी एनआर का टायर निकल चुका है, जो कि ये अपन रिप्लेस करें विजेस 10 NS जो लगा था ऑलरेडी, और ये न्यूअर है एनआर के लिए। मेरे को तो अच्छा लगता है क्योंकि ये देखो ये अपना ओल्ड वाला इधर है और ग्रिप भी अच्छा देता है, ये इंडियन रोड्स कंडीशन के हिसाब से बनाए, सो मस्ट रिकमेंडेड है। दीक्षांत भाई की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। नहीं नहीं ये सेट आदमी तो ये स्टोरी के लिए है ना, इधर से मैकेनिक लोग बोल रहे हैं इसके जैसा क्लीन बाइक कोई नहीं इंडिया में। इतने जन के पास है, बाकी जन के पास क्या वो कलर करके रखा है? सबसे पहला इंसान तुम ही थे कि भाई रैप एक नंबर लग रहा है, और अभी क्या बोला बाबा सब कंपनी से मंगवा लेना क्या राइडर को जो। सो गाइस अभी इधर पे देख सकते हो विरेश 10 NS का न्यू टायर लग चुका है, सो अपन ने लगाया इधर सुपर टायर हार्दिक भाई के पास, सो लेट्स रोल विरेश 10। तो मज़ा आएगा अभी क्योंकि वो टायर था तो टाइम हो गया था उसका, अभी चलो अभी इधर से निकलते हैं। Thank you.
गाइस अपना टायर अभी रिप्लेस हो चुका है और अपन चल रहे हैं अभी इन्फिनिटी मॉल। ये 20 लाख की है, 20 लाख। क्या बोल रहे भाई? 20 20 20। हाँ, Z900 राइडर। घुसेगा ऐसा लग रहा है, घुसेगा।